बोकारो के जिन जिन हॉस्पिटलों में आयुष्मान भारत की सुविधा हो रही है उसके बारे में मैं बताऊंगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत इन अस्पतालों में कौन कौन से विभाग के जांच के साथ साथ इलाज की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार के द्वारा बनाए हुए आयुष्मान भारत एक ऐसी सुविधाएं हैं जहां पर वैसे लोग जो राशन कार्ड धारक हैं और अपने इलाज आयुष्मान भारत के अंदर करते हैं। आयुष्मान भारत का अगर आप बोर्ड देखते हैं किसी भी हॉस्पिटल में तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि वहां पर सारे बीमारियों का इलाज किया जाता है। अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग बीमारियों का इलाज होता है। किसी हॉस्पिटल्स में 2 विभाग का होता है, किसी में 3 विभाग का। बोकारो के इन सारे हॉस्पिटल्स हैं और जो आयुष्मान भारत सेवा दे रहे हैं उन हॉस्पिटल को हम आपको लेके आएंगे और बताएंगे कि उस हॉस्पिटल्स में कौन कौन से डिपार्टमेंट का इलाज होता है। आयुष्मान भारत में कौन कौन से विभाग आपके यहाँ होता है? ऑर्थो सर्जरी और जनरल सर्जरी। कौन से डॉक्टर आते हैं? जनरल सर्जरी में डॉक्टर रवि रंजन आते हैं और ऑर्थो में डॉक्टर राजेश कुमार आते हैं धनबाद से। यहाँ पर जो लोग आते हैं उनका क्या आयुष्मान कार्ड बना रहता है? जिनका बना रहता है तो हम लोग डायरेक्ट पेशेंट एडमिट ले लेते हैं और किसी का नहीं रहता है तो राशन कार्ड से हम लोग बना के एडमिट ले लेते हैं। कितना समय लगता है कार्ड बनाने? बस 5 मिनट। अभी हम आए हुए हैं कृष्णा नर्सिंग होम में और मेरे साथ है करण कुमार गोप जी जो आयुष्मान भारत में आयुष्मान मित्र हैं। करण जी बताइए कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर आयुष्मान के इलाज के लिए आता है तो उसमें आप क्या क्या चीज़ देखते हैं? देखिए मेरे पास आयुष्मान विभाग में अभी 3 चीज़ें हैं, जनरल मेडिसिन केस, जनरल सर्जरी और ऑप्स एंड गायनी, 3 चीज़ें हैं। अगर कोई भी पेशेंट आता है तो वो अपना जो भी प्राइमरी प्रॉब्लम बताता है उसे तकरीबन ये अंदाज़ा लग जाता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है। अगर वो ये तीनों जो मेरे पास स्पेशलिस्ट मौजूद है अगर उसमें सम्मिलित होता है और वो कार्ड से अगर इलाज कराना चाहता है तो हम उसको कार्ड से इलाज करते हैं, नहीं तो फिर अगर वो हमारे केस से कहीं बाहर का केस जैसे दूसरे डिपार्टमेंट में आ जाता है तो उनको बोल देते हैं कि भाई ये केस मेरे पास नहीं होगा, आप कहीं और जाके पता कर सकते हैं। तो क्या आपके पास कोई ऐसा लिस्ट नहीं है कि जो डिपार्टमेंट आपके पास है और जो डिपार्टमेंट नहीं है उसका कौन सा हॉस्पिटल में है? देखिए बहुत ऐसा लिस्ट है जो पता है, बार बार ये इम्पैनल डी इम्पैनल होते रहता है। जैसे मान लीजिए कोई हॉस्पिटल लिया है जनरल सर्जरी, कभी वो रिमूव कर देता है इसको, हम नहीं रखना चाहते हैं भाई, हम मेरे पास कैपेसिटी नहीं, तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि किसके पास है किसके पास नहीं है, थोड़ा सा पता लगाना मुश्किल हो जाता है। एक तो मरीज अब परेशानी में आया है तो फिर उसको अगर आपके डिपार्टमेंट वहाँ पर नहीं है, जो डिपार्टमेंट आप जाँच नहीं करते, तो उनको कैसे पता लगाना होगा कि हमको कहाँ जाना है? देखिए एक तो वो आके हमसे अगर पर्सनली बात करे तो हम पता लगा के बता सकते हैं उसको, या तो फिर वो गूगल पर अगर ढूंढे तो उनको आसानी से मिल सकता है। आपको लगता है क्या कि जो व्यक्ति आयुष्मान भारत का इलाज कराने वो गूगल चेक कर लेगा? ऐसा है, बहुत से ऐसे आदमी हैं जो उनके साथ आते वो पता करके बताते हैं, लेकिन बहुत जिनको अगर ज़्यादा तकलीफ हो रहा अगर आके आयुष्मान मित्र से मिले तो उनको बहुत ज़्यादा ही मतलब आसानी हो जाएगा कि ये बीमारी का इलाज मतलब कहाँ हो सकता है। आप लोग के पास ऐसा कोई लिस्ट है? लिस्टेड नहीं है, फिर भी नॉलेज में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जैसे कि हो जाते हैं, पता लगाना पड़ता है। हाँ वो लग थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, थोड़ा हल्का कह सकते हैं। एक चीज़ और बताइए कि एक व्यक्ति को आयुष्मान भारत का जब इलाज होता है उसमें कुछ बजट भी होता है कि इतना ही में आपका इलाज होगा? जैसे सर्जरी का अगर पैकेज रहे तो सर्जरी वो पैकेज में होता है, ठीक है, लेकिन मेडिसिन केस में आपको पर डे का अमाउंट के हिसाब से दिया जाता है, ये तकरीबन शायद 1800 या 1980 ऐसे कुछ है अमाउंट, वो जनरल बेड के लिए है। जो व्यक्ति के पास आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ और वो आते हैं यहाँ पर आयुष्मान का इलाज करने, उनको कौन सा प्रोसीजर करना पड़ता है? अगर जिन व्यक्ति के पास कार्ड नहीं बना हुआ है तो कार्ड बनाने के लिए तो उनको राशन कार्ड लाना होगा और आधार कार्ड अपना लाना होगा, तब जान के उनका गोल्डन कार्ड बनेगा और वो आयुष्मान भारत में इलाज करा सकेंगे। अगर भर्ती हो गए हैं पेशेंट तो जांच की जो भी कॉस्ट बैठता है वो हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है, आयुष्मान के अंदर ये सारा होगा। अगर मरीज इस हालत में हो कि वो यहाँ से डिस्चार्ज के बाद घर नहीं जा सकता, क्या एम्बुलेंस भी आयुष्मान भारत में आती है? जी मिल सकता है। मैं कृष्णा नर्सिंग होम का आयुष्मान मित्र हूँ, मुझे आप
इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7667022430। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।